वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आईजीटीडीयू हॉस्टल। ये तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल के थ्रू। सो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि जिसको जो भी डाउट है वो कमेंट डाउन कर दो उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे रिलेटेड रिगार्डिंग टू गर्ल्स हॉस्टल आईजीटीडीयू व्हिच इज इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। जो भी क्वेरीज थी आपके आपने कमेंट डाउन कर दिया। अब मेरा काम है उन सबको क्लियर करना इस वीडियो में। सो फॉर दैट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में देखा कि आप सब कमेंट करते हो अपने डाउट्स पूछते हो बट लाइक करना भूल जाते हो। हाउ कैन यू डू दैट यार। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट डाउन योर फीडबैक आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई गेट मोटिवेटेड ऑल्सो। इफ यू हैव समथिंग पॉजिटिव टू से देन आई विल फील वेरी मच मोटिवेटेड फ्रॉम दैट। सो डू कॉमेंट डाउन एवरीथिंग वॉट एवर यू फील लाइक आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग बिकॉज यू स्टिल फॉरगेट। ओके ऑल्सो जिन जिन का आईजीटीयू में एडमिशन हो गया है और एवरीवन हु गॉट द सीट इन आईजीटीयू टिल नाउ प्लीज डू कमेंट डाउन योर नेम दैट यू गॉट सीट इन आईजीटीयू। आई विल ट्राई टू मेक एन इंस्टाग्राम ग्रुप ऑफ आवर आईजीटीयू गर्ल्स। ओके सो दैट वी ऑल कैन हेल्प ईच अदर। माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज इन डिस्क्रिप्शन। जो भी मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने वाली हूँ या बहुत सी चीजें वो आप उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एड कर दी है। सो डू फॉलो दैट एंड जिससे आपको बहुत ईजी होगा। मैंने सोचा कि आपको ज्यादा इधर उधर सर्च ना करना पड़े आपके लिए डायरेक्ट लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। सो डू फॉलो दैट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द video clearing all your doubts. So first question is hostel admission process. Okay, so hostel admission ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है you go to IGDTU website. Okay, on your screens you can see that ये है IGDTU का website है। ये website है. Okay, IGDTU की website हमने खोल ली and then we will search कि where is. Okay, so यहाँ पे hostel admissions पे हमने क्लिक कर दिया. Okay, फिर यहाँ पे सारे एडमिशन हॉस्टल एडमिशन्स के जितने भी नोटिसेज हैं वो अवेलेबल हैं। यू कैन चेक क्रॉस चेक विद द डेट्स कि ये इस साल की हैं या पहले की हैं, इज इट करंट और नॉट। लेटेस्ट है दैट इज अबाउट द लेटेस्ट नोटिस दैट आईजीटीयू हैज पोस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट इज अबाउट एनुअल फी चार्जेस फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन फैसिलिटीज फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ओके अकेडमिक ईयर 2024-2025 बिकॉज एवरी ईयर दीज थिंग्स चेंज। ओके जो हॉस्टल का हॉस्टल फी है हॉस्टल रूम्स है एवरी ईयर इट चेंजेस। ओके सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2024-2025। दिस वॉज ऑफ 9th July। ओके 2024 नाउ यू कैन सी उससे पहले कौन सा आया है नोटिस फॉर एडमिशन हॉस्टल एडमिशन 2024 and 5। सो ये था 28th of June 2024। उससे पहले कौन सा आया है हॉस्टल एडमिशन फॉर्म्स 2024-2025। ये कब पोस्ट हुआ था 28th of June 2024। और उससे पहले का आप नोटिस देख सकते हो दैट वाज ऑफ 2023। सो आपको वो देखने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट सबसे पहले जो भी आया है सबसे पहले जो नोटिस आया हम उसको क्लिक करेंगे दैट इज ऑफ हॉस्टल एडमिशन फॉर्म्स। ओके सो ये आ गया हॉस्टल एडमिशन फॉर्म। सो ये रहा हॉस्टल एडमिशन का फॉर्म। सो इसमें दे रखा है आपको कि आपको फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो हियर यू कैन सी आईजीटीयू का हॉस्टल फॉर्म है ये। यही आपको अपनी फोटो पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करनी है एंड एवरीथिंग। सो इसमें आपको ये पूरा फिल करना है देख सकते हो मोबाइल नंबर ईमेल एक्स्ट्रा करिकुलर मेडिकल फॉर्म भरना होता है आपको। ओके सो डॉक्टर से चेक करवा लेना। ये फॉर्म भरना कैसे आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है फिर ये पूरा फॉर्म भरना है ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है आपको। आप अगर आउट ऑफ दिल्ली हो लाइक यू से यू डोंट स्टे इन दिल्ली यू आर आउट फ्रॉम दिल्ली सो आप इसे कोरियर कर सकते हो टू हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और आईजीटीयू का एड्रेस डाल के। ओके दिस इज द थिंग आप कर सकते हो इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली यू कैन कोरियर योर फॉर्म्स बट लास्ट डे से पहले आपको अपना कोरियर फॉर्म्स हॉस्टल एडमिशन फॉर्म्स आपको अपने ड्यू डेट से पहले जो भी ड्यू डेट लास्ट डेट दे रखी है फॉर दिस फॉर्म सबमिशन उससे पहले आपका कोरियर पहुंच जाना चाहिए टू हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईजीटीयू। ओके मेडिकल फॉर्म जो भरना था ये आप मेडिकल फॉर्म है पूरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है कहीं भी बन जाता है वैसे किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो बन जाएगा। फिर यह है अगेन वही है हैंडीकैप कोटा वालों के लिए ये आपको जरूरत नहीं है फिर अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये। फिर ये है स्टूडेंट्स की साइड से जो भरा जाएगा। ओके फॉर्म ये हो गया अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। फिर ये है पेरेंट्स के तरफ से अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग इज जनरली फॉर द थिंग कि अगर कुछ भी हो जाए कुछ भी प्रॉब्लम हो सो कॉलेज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट अब देखते हैं और नेक्स्ट नोटिस क्या था। फॉर्म हो गया नेक्स्ट नोटिस आया था
मैंने स्टूडेंट्स हैव आल्सो सेड कि वो हरियाणा में है बट उनको नहीं मिल रहा है. सी दिल्ली दिल्ली एनसीआर स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है हॉस्टल. सो देखो अब इस ये वाला जो नोटिस है इसमें आपको पूरे तरीके से बताया हुआ है कि आपको क्या क्या अपने हॉस्टल फॉर्म के साथ इंक्लूड करके भेजना है. टू एंश्योर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अटैच विद द हॉस्टल फॉर्म प्लीज इंक्लूड द फॉलोइंग लिस्ट एडमिशन रिसिप्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. ओके सो ये है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड. मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपके हॉस्टल फॉर्म में भी दे रखा था वो. मार्कशीट ऑफ 12th. कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको 12th में मिलता ही है. प्रूफ ऑफ रेसिडेंस राशन कार्ड मतलब आधार कार्ड पासपोर्ट कुछ भी. रीसेंट टेलीफोन बिल स्लैश इलेक्ट्रिसिटी बिल मार्च 2024. सो ये फिर है रीसेंट फोटोग्राफ ऑफ द फैमिली. ओके सेवेंथ इज रीसेंट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट. रीसेंट फोटोग्राफ ऑफ द लोकल गार्जियन. फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट्स आईडी कार्ड फॉर पेरेंट्स सिग्नेचर वेरिफिकेशन. ओके फोटोकॉपी ऑफ लोकल गार्जियंस आईडी फॉर लोकल गार्जियन सिग्नेचर वेरिफिकेशन. ब्लैंक कैंसल्ड चेक ऑफ द रेसिडेंट फॉर ट्रांसफरिंग एनी रिफंड फ्रॉम द हॉस्टल. Two separate demand drafts for hostel fee and mess fee submitted at the time of admission. So these are the following list of documents that are required to be given along with the hostel forms. So last day of submission of hostel admission form is 29th July 2024 till 5 PM. The hostel information bulletin and hostel annual fee structure shall be in keep checking the university website. Hostel administration. आपको hostel administration को ही courier करना है अपना hostel form along with the following documents that have been that you can see on your screens. ये सारे documents आपको submit करने हैं along with the hostel form. So now let's check what's the next notice, which is the current notice. जो सबसे last जो notice IGDU ने डाला है that was on 9th July. ठीक है so let's view. So this I have also shown in my previous videos also कि hostel forms के साथ साथ hostel fee कितनी है, college fee सब include करके hostel fee actually क्या है. So hostel annual fee, क्योंकि hostel का annual fee जाएगा just like कॉलेज के एडमिशन मतलब ट्यूशन फी ये सब जो जाती है वो भी एनुअली जाती है. उसके साथ ही ये भी जाएगा हॉस्टल फी. एनुअल फी चार्जेस ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन फैसिलिटीज ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एकेडमिक ईयर 2024-2025. हॉस्टल एनुअल फी चार्जेस फॉर द फर्स्ट ईयर 97,000. ओके विच इंक्लूड हॉस्टल फी चार्जेस हॉस्टल वेलफेयर फंड. ओके हॉस्टल एनुअल मेस चार्जेस 44,500. ओके सिक्योरिटी अमाउंट एंड ये सब है 5,000 वन टाइम पेमेंट एंड रिफंडेबल सब्जेक्ट टू टेक एनओसी नो ड्यूज फ्रॉम द हॉस्टल अथॉरिटीज. टोटल आपका जो आपका पड़ रहा है एनुअल हॉस्टल फी जो आपकी पड़ेगी विल बी 1,46,000 विच इज मोर देन द कॉलेज एडमिशन फी ऑफ IGDU. सो मैंने हमेशा से बोला है कि हॉस्टल फी हमेशा से ही ज्यादा होती है बिकॉज हॉस्टल के आपको सब टाइप की चीजें प्रोवाइड कर रहा है. ओके सो इसीलिए हॉस्टल फी ज्यादा होती है और इस साल आई थिंक इंक्रीज भी हो गई है थोड़ी सी. फिर आपको नीचे अकाउंट डिटेल्स भी शो कर रहे हैं. सो नीचे आपको अकाउंट डिटेल्स भी दिख रही है. यहाँ पे लिखा है नोट द हॉस्टल फी चार्जेस एंड मेस चार्जेस इज टू बी पेड ओनली आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द रूम. ओके सो अलॉटमेंट ऑफ द रूम की लिस्ट आपको ऑनलाइन ही आ जाएगी. सेम इसी प्रोसीजर जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया कि आप IGDU की वेबसाइट पे जाओ फिर हॉस्टल एडमिशन पे जाओ वहां पे सारे नोटिसेस आ जाते हैं रिगार्डिंग हॉस्टल. सब बच्चे अपना जब हॉस्टल को फॉर्म सबमिट कर देंगे फिर उन बच्चों की लिस्ट आएगी जिनको हॉस्टल अलॉट कर दिया बिकॉज सबको हॉस्टल नहीं मिल सकता है. ठीक है तो उन सबको जिनको भी हॉस्टल अलॉट कर दिया है उनकी एक लिस्ट निकलेगी और वो लिस्ट आपको ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे इसी साइट पे दिख जाएगी. ओके एंड दिस विल हैपन ओनली आफ्टर यू सबमिट द फॉर्म. उसके बाद यहाँ पे दे रखा है द अमाउंट डिटेल्स टू पे हॉस्टल फी चार्जेस एंड हॉस्टल वेलफेयर चार्जेस आर एज फॉलोइंग. सो इस अकाउंट नेम पे और इस सब पे आप भेज सकते हो. ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हो फिर रिसिप्ट आप इनको भेज देना. मेल भी कर सकते हो और थ्रू कोरियर भी भेज सकते हो. ओके नोट फॉर द स्टूडेंट्स हु गॉट एडमिशन इन हॉस्टल अकेडमिक्स इन इतना अमाउंट जो है विल बी डिपॉजिटेड अमाउंट इन फॉर्म थ्रू DD डिमांड ड्राफ्ट ओनली. ओके सो यहाँ पे सॉरी मैंने अभी जो आपको बोला कि ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हो नहीं इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको DD के थ्रू ही अपना. सो यू हैव टू सबमिट द फी ओनली एंड ओनली थ्रू DD विच इज डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आप अपना फी सबमिट कर सकते हो इन फेवर ऑफ IGDU हॉस्टल फी अकाउंट. जो भी मैंने आपको 3 PDFs दिखाई है notices, ये सब डायरेक्ट लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन पे. आप जाओ और डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट खोल लो. नोट में भी लिखा है
While submitting their hostel fee/mess fee, all students must mention their name and course positively in the backside of the demand draft. Okay. Resident who fails to pay hostel fee within stipulated period, fine will be imposed as per university rules. Okay, you got that? So now we are clear ki admission process kya hai. So ye maine bata diya aapko hostel admission process with hostel fee and kaise notices dekhne hain. So now let's move to the next question. So next question is, first year students ko room kitne log se share karna hota hai? Sab same year ke hote hain ek room mein. For first year students, it's a 4-sitter room, which means bunker beds honge, okay, bunker beds honge, और 4 students honge, और 4 students चारों ही first year के ही होंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जाते ही friends बन जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपस में discuss करके अपने friends के साथ room share कर लो. ओके सो बट ये एकदम जाते ही नहीं होगा. आफ्टर 1 month यू कैन डू ऑल द स्टाफ. ओके बिकॉज आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो हॉस्टल की जो क्या कहते हैं वार्डन, राइट. सो जो वार्डन वगैरह होती हैं वो भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि वो ना माने एंड ऑल दैट स्टफ, तो उनको भी थोड़ा मक्खन मार के रखना ही पड़ेगा. देर आर 2 हॉस्टल्स, सो 1 इज कावेरी हॉस्टल एंड द सेकेंड इज कृष्णा हॉस्टल. सो बोथ द हॉस्टल हैव द कैपेसिटी ऑफ 200 and 700 स्टूडेंट. तो कावेरी हॉस्टल जो है उसमें 200 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है एंड इन कृष्णा हॉस्टल इट्स 700 स्टूडेंट्स. फर्स्ट ईयर तो 4 स्टूडेंट्स रहते हैं साथ में. और ऐसा भी हो सकता है अगर कुछ दिल्ली NCR स्टूडेंट्स जो हैं उनको सीट्स नहीं मिलती हैं IGTTU हॉस्टल में. ओके बट ऐसा हो सकता है बाय चांस इन एनी केस थोड़ा हरियाणा साइड के अगर स्टूडेंट्स को, एक दो स्टूडेंट्स को अगर हॉस्टल मिल भी जाता है तो उनके लिए 6 सीटर रूम होता है, विच मीन्स कि 6 बंकर बेड्स होते हैं. ओके 6 बंकर बेड्स होते हैं और उसमें आपको रूम शेयर करना पड़ता है. इट्स लाइक 1, 2, 3, 4 and 5, 6, लाइक एक रूम में 6 सीटर होता है वो. सो दिस इज द अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर उनको 3 सीटर रूम्स मिलते हैं, यानी कि एक रूम में 3 स्टूडेंट्स होंगे एंड इट विल बी अ नॉर्मल बेडिंग, नॉट अ बंकर बेड. ओके और फुल्ली एसी है हॉस्टल में, डोंट वरी. मेस फूड और कैंटीन फूड, विच वन इज बेटर? कैंटीन फूड मैंने ट्राई किया था एंड ओके सो आई फील आपको पता नहीं है ये बात कि कॉलेज में कैंटीन जो है वो है ही नहीं. IGTTU की खुद की कैंटीन नहीं है. मेस का खाना इज ओके, आई हैव हर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, बुरा नहीं होता है मेस का खाना, इट्स ओके फाइन, बहुत ही ज्यादा अच्छा भी नहीं, मतलब ओके ओके आप खा सकते हो, इसमें कोई इशू ही नहीं है. सो जो आपने आप कैंटीन की बात कर रहे हो वो एक्चुअल कैंटीन है, इट्स जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट. ले लिया आपने कुछ चाय ले ली, कॉफी ले ली, मैगी पास्ता ये सब मिलता है, बट IGTTU का खुद का तो कैंटीन है ही नहीं. मेस है जो कि हॉस्टल स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं. फिर बात रही कैंटीन की, अगर आपको प्रॉपर खाना है लाइक चाउमिन खाना है, यू वांट टू हैव चाउमिन, यू वांट टू हैव रोल्स, ठीक है, ये सब हम लोग जाते हैं अंबेडकर कॉलेज एंड IGTTU कॉलेज, दोनों कनेक्टेड है. तो वहीं पे आप अगर आप मेरा हॉस्टल कैंपस टूर वीडियो देखोगे, ये वाला कैंपस टूर नंबर 2, तो उसमें आपको दिखेगा कि हम लोग अंबेडकर कॉलेज की कैंटीन में जाते हैं. अगर हमें कभी राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, पनीर चावल और चाइनीज फ्राइड राइस, ये सब बहुत वैरायटी है वहाँ पे. सो जब हमें वो खाना होता है तो हम वहाँ चले जाते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है क्योंकि हम खुद ही कॉलेज बहुत कम गए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट. और हमारे से तो क्लास अटेंड करो, निकलो बस, घर पहुंचना है आराम से. सो इसलिए, बट अगर आपकी फुल डे क्लासेस हैं तो आप जा सकते हो बीच में ब्रेक में अगर अच्छे से खाना है, अदरवाइज इस कैंटीन में जा सकते हो. कैंटीन का खाना मैंने सुना है दैट यू ट्राइड सैंडविच एंड इट वॉज वेरी सॉलिड लाइक अ स्टोन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कैंटीन का खाना सबसे फ्रेश होता है बिकॉज वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं और डेली ही वो सोल्ड आउट हो जाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते. इसीलिए अगर आपने थोड़ा सा हार्ड खाया भी होगा, दैट इज बिकॉज अभी मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स थोड़े कम आ रहे हैं तो उतनी भीड़ नहीं हो, इसलिए. बट कैंटीन का खाना वेरी गुड, वेरी नाइस. हाँ थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिए, दैट्स इट, और कुछ डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर वी अलाउड टू गो फॉर नाइट स्टेज? अलाउड क्या, आप अपने पेरेंट्स को बता के जाओ नाइट स्टे के लिए, आराम से जाओ नाइट स्टे के लिए, क्योंकि गेट्स, हॉस्टल के गेट्स 8 o'clock बंद हो जाते हैं, उसके बाद आप हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते, लाइक आप कैंपस में भी नहीं घूम सकते. एक बार हॉस्टल का गेट बंद तो बंद बस, तो 8 या मैक्सिमम 8:30 तक ही, और जब फेस्ट होते हैं कॉलेज में देन उस टाइम पे 10 o'clock तक हॉस्टल खुलता है बस, बट वैसे रेगुलरली 8:30 पे बंद हो जाता है. ऑल्सो आपको एवरी डे अटेंडेंस लगानी होती है जब भी आप हॉस्टल से बाहर जाओ और जब भी हॉस्टल के अंदर जाओ, एंट्री एंड एग्जिट पे आपको अपने अटेंडेंस आपको देनी होती है कि आप कितने बजे बाहर गए विथ योर सिग्नेचर्स एंड एंट्री के टाइम पे भी.
ओके सो अगर आपने ऐसा सोचा आप नाइट स्टे पे गया हॉस्टल में आपको पहले से परमिशन लेनी होती है बताना होता है दैट यू विल नॉट बी देयर फॉर टू नाइट्स सो जो आपकी वार्डन है वो आपका लेटर देखेगी लाइक जो भी आप परमिशन के लिए लेटर लिखोगे सबमिट करोगे वो पढ़ के फिर वो आपको बुलाएगी फिर आपसे पूछेगी क्यों और उसके हिसाब से वो आपसे बात करके उसके बाद आपको परमिशन दे देगी एक दो रात के लिए ओके बट अगर आप परमिशन नहीं लेते हो उसके बाद आप नहीं आते हो एक दिन तक चलो ठीक है आप लेट हो गए एंट्री मिल जाती है फिर भी डांट खाओगे आप पेरेंट्स को फिर कॉल चला जाता है दो तीन दिन अगर आपके साथ आपने चलो एक बार आपको माफ कर दिया दो बार माफ कर दिया पर थर्ड टाइम ऐसा नहीं होगा थर्ड टाइम दे विल डायरेक्टली कॉल योर पेरेंट्स दैट यू डिडंट टेक द परमिशन तो कंसेंट के बिना ही यू आर नॉट इन हॉस्टल कैन वी गेट हॉस्टल इन मिड ऑफ ग्रेजुएशन लाइक इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर येस यू कैन गेट हॉस्टल बट वही है कि आप कहाँ रहते हो वो डिपेंड करता है ठीक है अगर आप आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली यू कैन ज्वाइन इट बट मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने हॉस्टल्स बहुत सारे हॉस्टलर्स से पूछा सो देयर रिकमेंडेशन इज सजेशन इज दैट डोंट टेक हॉस्टल दैट इज बिकॉज पहले लाइक फोर ईयर्स पहले तक हॉस्टल ठीक था बट अब हॉस्टल थोड़ा खराब होता जा रहा है इट इज टू स्ट्रिक्ट क्योंकि आप 8 o'clock के बाद आप बाहर से भी ऑर्डर नहीं कर सकते कुछ जो भी ऑर्डर करना है आप 8 o'clock से पहले ऑर्डर कर लो क्योंकि आपका ऑर्डर लेने कौन जाएगा मेन गेट तक कॉलेज के आपको ही जाना पड़ेगा ना तो जब आप हॉस्टल से बाहर ही नहीं आ पाओगे तो आप कैसे अपना पार्सल कलेक्ट कर सकते हो सो एवरीथिंग शुड बी बिफोर 8 o'clock अगर आप कुछ भी खाने या फूड आइटम मंगवा रहे हो फॉर दैट बाकी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो अगर वो 8 o'clock के बाद आते हैं देन वो जो आपका हमारा जो वॉचमैन है उसी के पास सारे पार्सल रह जाते हैं यू कैन कलेक्ट दैट नेक्स्ट मॉर्निंग ठीक है और ये मैंने बता दिया आपको सेकंड एंड थर्ड ईयर में आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो बट लेट्स सी हॉस्टल आपका सेम प्रोसेस होगा जो मैंने अभी आपको हॉस्टल एडमिशन का प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है इफ यू आर इन सेकंड एंड थर्ड ईयर एंड सेम इसी तरीके से आपका पूरा लिस्ट आपकी निकलेगी स्टूडेंट्स की लिस्ट निकलेगी कि किनको मिला है कि नहीं फिर आपको पता चलेगा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है या हाँ सो मैं आपको ये बता रही थी कि स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि डोंट टेक हॉस्टल आप पीजीज भी ले सकते हो सो नियरेस्ट पीजी इज जीटीबी नगर कमला नगर हमारा कॉलेज है कश्मीरी गेट पे राइट तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से 2 या 3 स्टेशन दूर आता है जीटीबी नगर सो वहां पे भी आप पीजी ले सकते हो और पीजी वहां पे रेट जो है वो है 12,000 फॉर टू सीटर लाइक 12,000 में 2 स्टूडेंट्स एसी रूम और अगर 1 पर्सन को रहना है पीजी में लाइक सिंगल तो आपको 20,000 रुपीज देना पड़ेगा फॉर एसी रूम फॉर सिंगल सीटर ठीक है तो मैंने आपको ये बात भी बता दी कि पीजी आप ले सकते हो ठीक है हॉस्टल स्ट्रिक्ट है हर जगह हर गर्ल्स हॉस्टल तो स्ट्रिक्ट होता ही है ठीक है एक और चीज जब फेस्ट होता है तो मैंने आपको बता दिया फेस्ट के टाइम पे 10 o'clock तक हॉस्टल खुला रहता है ठीक है बट ये भी है कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली लाइक हॉस्टल के टाइम पे क्योंकि सॉरी फेस्ट के टाइम पे बहुत कुछ चल रहा होता है तो इसीलिए हॉस्टल में क्या करते हैं वो आउटसाइडर्स को भी अलाउ करते हैं बस आपको 2 या 3 दिन पहले एक फॉर्म निकलता है वो फॉर्म सबमिट करना होता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे मैं डे स्कॉलर हूँ ओके मेरी कोई फ्रेंड है हॉस्टल में तो अगर मेरे को पता है कि मेरा घर बहुत दूर है आई कैन नॉट गो आफ्टर फेस्ट मैं अपने घर नहीं जा सकती तो मैं 2 दिन पहले ही फॉर्म सबमिट कर दूंगी हॉस्टल में रहने के लिए एक रात के लिए अपने फ्रेंड के साथ तो मेरे को मतलब चाहिए कि मेरी फ्रेंड का नेम आना चाहिए कि मेरी फ्रेंड के रूम में मैं रहूंगी उस फॉर्म में लिखा होता है कि किसके रूम में आप किसके साथ रह रहे हो उस फेस्ट वाले नाइट को ठीक है आप हॉस्टल में रहते हो तो ये भी काम कर सकते हो अगर आपकी कोई हॉस्टल फ्रेंड है तो जब फेस्ट होते हैं तो फेस्ट के टाइम पे ये इजी रहता है कि आप हॉस्टल पे रह सकते हो बट अगर आपके फ्रेंड्स हैं आपको कोई अलाउ कर दे अपने साथ रूम में रहने के लिए तब और वो भी अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है परमिशन मिल गई है तभी विदाउट परमिशन वो भी एक दिन मिनिमम 2 दिन पहले फॉर्म सबमिट होता है और अगर आपने फॉर्म सबमिट कर लिया एंड देन यू विल गेट परमिशन टू स्टे इन हॉस्टल व्हाइल फेस्ट इज गोइंग ऑन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर अलॉन्ग विद हॉस्टल फॉर्म सबमिशन ये मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में वंशिका गुप्ता एंड हॉस्टल कैसे अलॉट होंगे मींस ऑनलाइन ही पता चलेगा सो या मैंने आपको ये बता दिया कि लिस्ट जो निकलेगी कि कौन से स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट हो रहा है वो लिस्ट आपको ऑनलाइन पता चल जाएगी सेम वे सेम तरीके से पता चल जाएगी नोटिस बोर्ड में आ जाएगा हॉस्टल एडमिशन नोटिस बोर्ड पे आ जाएगा कि किन स्टूडेंट्स को मिला आर हॉस्टल रूल्स वेरी स्ट्रिक्ट या वेरी स्ट्रिक्ट नहीं बट एक्चुअली गर्ल्स हॉस्टल स्ट्रिक्ट होता है हॉस्टल लोग इसलिए लेते हैं बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट देयर चाइल्ड टू बी सिक्योर राइट आप दूसरे स्टेट से आते हो यहाँ पे न्यू हो सो दैट्स द रीजन कि आप हॉस्टल ही ले लो थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है आई नो हॉस्टल के पैसे बहुत ज्यादा है बट स्टिल आप ले सकते हो हॉस्टल खाना भी अच्छा आता है हाँ अबाउट खाना मेस फूड पे आ जाते हैं इफ यू आर वेजिटेरियन आपको वेजिटेरियन फूड सर्व होगा इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन आपको नॉन वेजिटेरियन फूड भी सर्व होता है एंड समवन हु डोंट ईट लहसुन प्याज के बिना खाते हैं जो लोग खाना उनके लिए भी अलग खाना बनता है और एवरी संडे देर इज छोले भटूरे और समथिंग स्पेशल विद स्टूडेंट्स डिमांड तो ये चीज हर 1-2 महीने में 2-3 महीने में चेंज हो जाती है कि वीकेंड पे व्हाट स्पेशल थिंग स्टूडेंट्स वांट टू ईट तो सब वैरायटी खाने में और मैंने सुना है हॉस्टल का खाना इज गुड
प्रिटी गुड, सो आपको हॉस्टल के खाने के लिए टेंशन नहीं लेना है। जो मैंने बताया अंबेडकर कॉलेज में जो हम कैंटीन में जाते हैं वहाँ प्रॉपर बैठने के लिए भी अरेंजमेंट है, बहुत वैरायटी भी है, वहाँ का खाना अच्छा है, मैंने खुद खाया, इट्स यम्मी, टोटली वर्थ इट। रहा हमारे कॉलेज में जो छोटी सी कैंटीन है फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड ऑल, इट्स ऑल्सो गुड, बढ़िया मिलता है, सैंडविचेस मिलते हैं, बर्गर मिलता है, सो आई हैव नेवर ईटन बर्गर ऑन एनीथिंग, आई हैव ईटन सैंडविचेस एंड आई लव द सैंडविचेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मैगी ऑल्सो, कॉलेज की मैगी कौन ही खाएगा, क्योंकि आसपास हमारे कॉलेज के कहीं मैगी नहीं मिलती है, बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इतना बोलते हैं दैट मैगी पे वो रहते हैं, मैगी पे, बट हमारे कॉलेज में के आसपास कुछ तो मिलता है नहीं, सो इसलिए हमें अपने कॉलेज की मैगी खानी होती है, एंड इट्स वर्थ इट, अच्छा भी होता है, पास्ता भी मिलता है, मोमो, स्प्रिंग रोल्स सब मिलते हैं हमारे कॉलेज की जो छोटा सा कैंटीन है। जो मैंने कैंपस टूर वीडियो डाला था उसमें मैंने सब कुछ डाला है, सो आप प्लीज एक बार फिर से जाओ और कॉलेज टूर वीडियो देखो बिफोर जॉइनिंग द कॉलेज। डज द मास्टर्स स्टूडेंट्स हैव सेपरेट हॉस्टल? नो, सेपरेट हॉस्टल ही है, दो हॉस्टल्स हैं और उसमें सो कुछ रूम्स मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए अलॉट हो जाते हैं, ओके, सो सेम वे सबके लिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर को थ्री सीटर रूम्स मिलते हैं विदेशी, उसी तरीके से मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का भी है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ओके। ऑन विच एड्रेस टू सेंड द हॉस्टल फॉर्म वी आर कोरियर, मैंने आपको बता दिया, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको फॉर्म दिखाया, नोटिस दिखाया, उसके नीचे जो एड्रेस दे रखा था IGTTU के एड्रेस पे, टू हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके नीचे आप IGTTU का एड्रेस डालो, दैट्स इट, बट मेक श्योर कि आपकी जो ड्यू डेट है विच इज 29th ऑफ जुलाई, ड्यू डेट से पहले आप पहुंचा दो अपना फॉर्म, लाइक एनी हाउ, सो आई थिंक कि आपको 26th जुलाई तक मैक्स अपना हॉस्टल फॉर्म सबमिट कर देना चाहिए थ्रू कोरियर, ओके। एसी रूम्स अवेलेबल? यस, ऑल एसी रूम्स आर अवेलेबल, डोंट वरी, हॉस्टल में है कम से कम, दैट इज द रीजन यू आर पेइंग, हॉस्टल में एसी भी है एंड वाईफाई भी है और वाईफाई भी बहुत अच्छे से चलता है, ऑल गुड। हॉस्टल फोर सीटर पिक्चर्स दिखा दो प्लीज, फोर सीटर मेरे पास पिक्चर नहीं है सॉरी, बट मैंने आपको बताया बंक बेड्स होते हैं, दैट्स इट। मशीन्स एंड वॉशिंग मशीन्स आप अपने क्लोथ्स उसमें धो के सुखा भी सकते हो वहाँ पे, ये भी बता दिया, मेस भी बता दिया, लॉन्ड्री भी बता दिया, टाइमिंग बता दी हॉस्टल में एंट्री की, और एवरीडे अटेंडेंस देना पड़ता है हॉस्टल में, दैट इज ऑल्सो आई हैव कवर्ड, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल योर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस नहीं है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू लीव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर आपका एडमिशन हो गया IGTTU में तो कॉमेंट करना नहीं भूलना, और अपना नाम लिख देना सो दैट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तो मैं समझ पाऊँ दैट इट्स जेन्युइन, ओके, आई डोंट वॉन्ट एनी वन एनी फेक IDs, ओके, चलो ओके, बाय।